हेलो भाई लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन होता है अगर किसी चीज़ का प्राइस बहुत ही बढ़ जाए, सस्टेबल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। 100 यूनिट, मान लीजिए 100 रुपीज़ में मिल रहा है कोई चीज़, 100 चीज़ें 100 रुपये में मिल रहा है, वही 100 चीज़ों का दाम अगर 200 हो जाए, मतलब 100 से 200 हो जाए, तो इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ द रुपीज़ घट जाएगी। इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। पहले वैल्यू रुपए की कितनी ज़्यादा थी, 100 में 100 मिल रहा था, लेकिन अब 200 में 100 मिल रहा है। यहाँ रुपए हमारे बर्बाद हो रहे हैं, रुपए बर्बाद हो रहे हैं, इसका मतलब रुपए की वैल्यू घट गई है। अब देखिए, देख लेते हैं डिफ्लेशन क्या होता है। तो डिफ्लेशन सस्टेन डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, वैल्यू ऑफ रुपीस इंक्रीजेज, वैल्यू रुपीस की बढ़ जाती है। ठीक है, तो वैल्यू रुपीस की बढ़ जाती है मतलब कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो वैल्यू रुपीस की बढ़ जाएगी। जैसे क्रेडिटर हैज़ गिवन लोन, क्रेडिटर लोन लेने लग जाएगा। डिबेटर हैज़ टेकन लोन, डिबेटर जो एक क्रेडिटर होता है, एक डिबेटर होता है, वो लोन लेने लग जाएगा। और देखिए, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्रेडिटर लॉसेस, इन्फ्लेशन के कारण क्रेडिटर जो लोन देता है इसका लॉस होगा। और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एवरेज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज, एवरेज इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि रुपए की वैल्यू घट जाती है, इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि अब बैंकों को भी फिर ज़्यादा रुपए चाहिए रहेगा। अगर रुपए की वैल्यू अगर घटेगी तो बैंकों को ज़्यादा रुपए चाहिए रहेगा। ज़्यादा रुपए चाहे, अगर बैंक चाहता है तो वो कैसे बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके। तो ये देखिए कुछ है इन्फ्लेशन साइकिल। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेगी, प्राइजेस बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा।